नमस्कार, जीएनआई न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपेक्षा यादव। कौशाम्बी से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। एसटीएफ एवं कोखराज पुलिस ने 6 कुंटल गांजा के साथ 3 तस्कर किया गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है कीमत। यूपी के कौशाम्बी में एसटीएफ एवं कोखराज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सिरोही टोल प्लाजा के पास से एक ट्रक में लदा लगभग 6 कुंटल गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गांजे को तस्कर बाजरे की बोरियों के बीच में छिपाकर ले जा रहे थे। गांजे को उड़ीसा से लादकर राजस्थान ले जाया जा रहा था। लंबे अरसे से गांजे की तस्करी का कारोबार किया जा रहा था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गांजे की कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। आइए देखते हैं कौशाम्बी से ब्यूरो चीफ संतोष कुमार यादव की एक खास रिपोर्ट। सच वही जो जीएनआई न्यूज दिखाए। देखिए, 6 कुंटल के करीब जो है गांजा ट्रक से बरामद हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ से ये जानकारी हुई कि उड़ीसा से लिए थे और इसको कहीं राजस्थान में को अनलोड करना था, तो मुजरिमों को पकड़ कर उनके साथ मुकदमा कायम करके जो जेल भेजा गया। इंट्रोगेशन के आधार पर अग्रिम कार्रवाई जो है हमारी टीम कर रही है, उसमें और कौन से मुलजिम और कौन कौन से व्यक्ति जो है इसमें इन्वॉल्व थे और इसका मूल स्रोत कहाँ से चला और ये कहाँ जा रहा था, इस पर हम कार्रवाई करा रहे हैं। सर, लगभग की कीमत इसकी कितनी होगी? इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास है। सर, पकड़ा गया आरोपी एक उसमें मलेशिया में पढ़ाई कर रहा था, उसके बारे में क्या बताया जा रहा है? अभी तो ऐसी कुछ जानकारी नहीं है कि मलेशिया में पढ़ाई कर रहा था। सभी लेबर टाइप के हैं और जिनका काम इस तरह के धंधे में लिप्त रहना है। ट्रक भी जो है उन्हीं के परिवार से था, उसी के पिता एक ड्राइवर जो ड्राइवरी कर रहा था उसी के परिवार का ही ट्रक है। हम उसके मूल तक जाने की तह में जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें जो भी डेवलप होगा आगे आप बताएंगे।